संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, हमारी थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है, हमारी थॉट हमारे शरीर को पहुंचती है, हमारी सेहत बनती है, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, हमारे रिश्ते बनते हैं, और हमारी हर सोच वातावरण में जाती है, सृष्टि बनती है. एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम हियर. कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं, हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है. अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. तो पक्का करना है आज हमने. परिस्थिति ठीक नहीं, कोई बात नहीं. उनका व्यवहार ठीक नहीं, कोई बात नहीं. मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी सोच. और अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति, अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति सही हो जाएगी, भाग्य मेरा सुंदर बन जाएगा. गुलामी का जीवन नहीं जीना. अब कोई भी बात रख लेना इधर, कोई भी, क्योंकि अगर इक्वेशन पर ध्यान नहीं रखा तो छोटी छोटी बातों में ही ये हिल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और इक्वेशन सेट कर ली तो कोई भी बात यहां रख लो, ये स्थिर रहेगा, स्थिर, शांत, पीसफुल, हैप्पी, लवफुल ऑलवेज, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा मन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या सिचुएशन हमारे मन के हिसाब से क्रिएट हो जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? पावर यहां है. परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पे डिपेंडेंट है. हमने इक्वेशन ही ऑपोजिट कर दी और हमने कहा मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, और जैसे ही इक्वेशन ऑपोजिट की सब कुछ कॉम्प्लिकेट होने लग गया. अब वो अपमान करते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार 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 बार, क्या हम सम्मान दे सकते हैं? क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? क्या हुआ? वो तो अपना व्यवहार कर रहे हैं, हमें किसका करना है? हमें अपना करना है. वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं. कौन हमें रोक सकता है प्यार से बात करने से? कौन हमें रोकता है प्यार से बात करने से? कौन रोकता है? कौन रोकता? चेक करो कौन रोकता है, ताकि उसको हटाएं अभी उसके बाद. कौन रोकता है हमें ठीक से बात करने से उनसे? हमारी, वेरी गुड, हमारी ईगो. क्या आकर बोलती है वो प्यार से? अभी देखो इन्होंने अपमान किया, गंदा गंदा सबके बारे में, अब मुझे प्यार से बात करना है, तो वो ईगो आके कान में कुछ बोल देती है. क्या बोलती है बताओ ना, क्या बोलती है? क्या बोलती है? एक ही लाइन बोलती है वो सबको, सेम लाइन बोलती है. क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? वेरी गुड. मैं क्यों करूं? मतलब क्यों? वाई शुड आई बी नाइस? टिट फॉर टैट. मतलब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी कैसा करना है? वापस ऐसा. लाइफ कितनी सिंपल है, लाइफ कितनी सिंपल है. उन्होंने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया. फिर थोड़ी देर आगे गए, उन्होंने वैसा किया तो मैंने भी वैसा किया. फिर आगे गए, उन्होंने वैसा किया, मैंने भी वैसा किया. जीवन कितनी सिंपल है. लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ? ऐसा करते करते क्या हुआ? क्या हुआ? इट्स सिंपल. इट्स लाइक सेइंग वो गिरे तो मैं भी गिरी, फिर वो गिरे तो मैं भी गिरी. वो तो बहुत जोर से गिरे तो मैं और भी जोर से गिरे. क्योंकि जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपनी नेचुरल हेल्थ से गिर रहा है ना, तो वो गिरे तो हम भी गिरे, फिर वो भी गिरे, हम भी गिरे, वो भी गिरे, हम भी गिरे. वो गिर गिर के कमजोर होते गए, हम उनको देख के गिर गिर के, फिर आज वो भी बैठे, हम भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे. फायदा क्या?
एक शक्ति है यहाँ, ये शक्ति है, आत्मा शक्ति है। अगर ये आत्मा पावरफुल है और ये किसी के भी व्यवहार में सही रहती है तो ये हमेशा खुश रहेगी। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, ये शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, इसके सारे रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। लेकिन इसने कहा, उन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी वैसा किया, और ये बार बार ऐसा करते गए। कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसा हम? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? जन्मों से, सालों से भी क्या, जन्मों से ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हो गया कि आज हमें अपनी पावर पता ही नहीं है। हमारी लाइफ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब दोनों चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।